अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये एक रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल है पिंक क्लोवर की तरफ से, जो मैं खुद से पहले भी कुछ करना चाहता था इससे रिलेटेड, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है ये क्रिएट करने का। मेरा रहता तो ये था कि ये मैं जल्दी से रिलीज करूंगा, लेकिन ये है कि ईद की जैसे थोड़ी डिले होगी। तो ये जो ट्यूटोरियल की जो है नोट सेटअप है वो मैंने थोड़ा सा सी जी पैट्रिक एक यूट्यूबर है, इनके काफ़ी ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स हैं वी एफ एक्स रिलेटेड। वीडियोज थोड़ी कम ही है टोटली, आप देख रहे हैं सिर्फ कोई 9 वीडियोज ने रिलीज किए, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज हैं और होती हैं, तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी वीडियोज होती होती है। तो इनके मेथड को मैंने यूज करके वो क्रिएट किया है थोड़ा सा अपने आप से, उसे अल्टर करके थोड़ा डिफरेंट करके उनके नोट चार्ट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है थोड़ा सा, ताकि हम लोग कर सकें। तो हम लोग आज जो करेंगे वो ये मटेरियल्स की या टेक्सचर्स की एनिमेशन होगी। ये देखिएगा, देख रहे हैं लग स्टाइल से सब लोग चेंज हो रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड के हैं, कुछ टेक्सचर है, कुछ मटेरियल है, और कुछ सिर्फ उस बीच में इफेक्ट के साथ है। तो ये तीनों इफेक्ट्स को आज हम लोग देखेंगे, ये रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल था तो मैं भी इंटरेस्टेड था इसमें, और उसका पार्ट टू भी मैं रिलीज करूंगा जो उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन के साथ डील करेगा, और वो आप काफी आपको शायद पसंद आएगा। तो हम लोग ये सबसे पहले सारे कलेक्शन में हाइड करता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं अब शुरू करता हूँ, ठीक हो गया? सबसे पहले मैं एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक। उसके अंदर शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर, ठीक, राइट क्लिक करके मैं शेड मोड कर देता हूँ, शेडिंग टैब में चला जाता हूँ, बल्कि शेडिंग टैब चलाने से पहले शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस जी और जेड से नीचे ले आता हूँ मैं, ठीक। और फिर मैं इसे यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसे एक न्यू मटेरियल दे देता हूँ, ठीक है? और इस मटेरियल की सेटिंग से मैं इस तरह करूंगा कि सारे मटेरियल की सेटिंग वैसे होंगी, कर दीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ जाती है, अल्फा क्लिप और शेडो मोड अल्फा क्लिप एज वेल। वैसे असल में जरूरत भी इसके लिए नहीं होगी, वो हम लोग फ्यूचर ट्यूटोरियल्स के लिए हेल्प काम आएगा। तो अब मैं शेडिंग टैब में चला जाता हूँ, तो मैं फ्रंट वन से फ्रंट व्यू भी चला जाता हूँ, ठीक। जूम आउट कर लेते हैं और ये हमारा सेटअप है होगा बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग एक मिक्सचर ले आते हैं, ये हो गया, इसे इसके साथ प्लग इन कर देते हैं, और इसका कलर मैं अभी के लिए रेड कर देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं इसे शिफ्ट टी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक। तो ये भी मैं पहला इफेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे कनेक्ट कर देता हूँ, और इस बार इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, ठीक। तो ये देखेंगे उन दोनों का मिक्सचर सा आ रहा है, ठीक। उसके बाद फिर हमें चाहिए होगी कलर रैम्प, कलर रैम्प को हम लोग कनेक्ट कर देंगे फैक्टर के साथ, ठीक। फिर ग्रेडियंट टेक्सचर उसे उसके साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक। और फिर सेपरेट एक्स वाई जी, अच्छा इससे पहले मैं सेपरेट एक्स वाई जी को कनेक्ट करूँ, आप देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट ये एक्स एक्सिस से ही होगा सारा कुछ, आपको बाद में समझ में आ जाएगी जब मैं फॉलो थ्रू करूंगा, लेकिन बाई डिफॉल्ट वो उस तरह से होगा। लेकिन मैं भी यहाँ पे जेड से कर रहा हूँ, लेफ्ट को कनेक्ट किया तो उस तरह देखें सारा हो गया। और फिर शिफ्ट ए मैपिंग और शिफ्ट ए टेक्सचर कोऑर्डिनेट और जनरेटेड कॉपी के लिए वेक्टर के साथ कनेक्ट करें, और जो वेक्टर है इसका वेक्टर के साथ कनेक्ट करें, ठीक। तो फिर जब मैं इसके ये जो कलर रैंप है इसे मूव करूंगा तो ये देखें इस तरह से ये फेड इन फेड आउट हो रहे हैं, ठीक। येलो सब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इश्यूज का इस तरह से ये है कि एक तो ये है कि ये बार बार नोट शार्प खोल के शेडिंग टैब में आपको करना पड़ेगा तो आपको मसला होगा, ठीक। तो इस वजह से हम लोग एम टी को कंट्रोलर के तौर पर रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पर जनरेटेड के ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट हो रहा है उसे यहाँ से क्लिक करें और इसे एम टी को सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखिएगा अब मैं इससे जब एम टी को मूव करूंगा जी जेड से मूव ऊपर करूंगा तो ये देखें वो एम टी उससे चेंज करता जा रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहा है मटेरियल को सिंपल। तो अब ये भी यहाँ पे जेड से हो रहा है, आप यहाँ से चेंज करके वाई कर दें, ठीक है। तो ये देखें वाई से ट्रांजेक्शन की होना शुरू हो जाएगी, मैं एम टी को मूव करता हूँ, सारे सारे इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। जो सारे हम आपको बाकी फ्यूचर के दिखाऊंगे सब तकरीबन एक जैसे सेटअप फॉलो करते हैं। अगर मैं एक्स को करूंगा ऐसे बाई डिफॉल्ट वो है भी एक्स से ही, तो वो एक्स एक्सिस से देखें इस तरह से मूव होगा, ठीक हो गया। तो अब प्रॉब्लम एक ये है कि बीच में अगर समझ लें मैं इस कलर को येलो के बजाय ब्लू कर देता हूँ तो ये देखें बीच में तो इसे ट्रांजेक्शन पर्पल की भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि बीच में ट्रांजेक्शन इस तरह की जीप सी आए तो उसका तरीका एक तो यह है कि आप इसे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। एम टी को स्केल करेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मसला है कि एम टी आपको थोड़ा नॉर्मल साइज का चाहिए तो वह बता आपको ढूंढने में मसला हो जाएगा, तो एम टी को नॉर्मल साइज पर रहने देते हैं। तो दूसरा तरीका फिर यह है कि इसको ना ये इन्हें यहाँ पे जो है ना ये जो उसके स्लाइडर्स इसे मूव क्लोज कर दें, ठीक है। देखें इस तरह से क्लोज अप होता जा रहा है और इसे यूँ इस तरह से मूव करके क्लोज कर दें इस तरह से, उस तरह से देखें उनके दरमियान जो फर्क है वो तकरीबन 9 आने के बराबर नजर आ रहा है। अब से और वैल्यूज को जो है उससे सेटअप कर सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ, इसे सेलेक्ट करें, ठीक है। 0.499 में कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पे आ गया। और इस वाले को दूसरे स्लाइडर को सिलेक्ट करके 0.5 कर देता हूँ, ये देखें बिल्कुल वो करीब है 9 आने के बराबर फर्क नजर नहीं आ रहा हमें बिल्कुल भी, ठीक। तो ये तो सिंपल कलर्स के साथ था। अगर आप टेक्सचर इस्तेमाल करना चाहते हैं इमेज टेक्सचर्स वगैरह, तो उसके लिए पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, किसी सिंपल पेंसिल एस टी एफ जो है मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और हम लोग इमेज टेक्सचर्स के साथ भी इसी सेटअप को यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो ये इमेज टेक्सचर ले
इमेज वाला नोड ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज वाला नोड है, अब ये प्रिंसिपल बी एस डी एफ के साथ कनेक्ट की जाए, ठीक है, आउटपुट के साथ, और कुछ भी कनेक्टेड नहीं। और जो कलर है इसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो वो ब्लैक शो कर रहा है, ठीक। तो मैं अभी इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। इमेज टेक्सचर मैंने डेस्कटॉप रखा है, आपके पास अगर कोई और पड़ा तो आप यूज़ कर लें, कोई सा भी कर लें, अभी बस एग्जांपल है, तो मैं अभी ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। ये देखें कलर पैटर्न वाला, ठीक है। अब लेकिन ये है कि ये सिंपल कलर पैटर्न है, मैं इसमें मतलब जो है ना यूवी एडिटिंग, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी अलग अलग से, क्योंकि हम लोग दो मटीरियल दो जो टेक्सचर है उसके दरमियान ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये देखें ये एक मैंने कर लिया, अब मैं तो इस तरह से मुझे पसंद है तो मैं इस तरह से रहने दूंगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट सेटअप चाहिए तो आप उसके हिसाब से मतलब ना इसके जो है यूवी मैपिंग कर लीजिएगा। पहले एक ही करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस शेडिंग कलर में जाते हैं, तो क्योंकि अब हमें दूसरा भी चाहिए होगा ना, हम लोग दो टेक्सचर्स के दरमियान ट्रांजिशन कर रहे हैं ना। तो इस बार अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करके वापस उसे वहीं पर लगा देता हूँ, ठीक। और इस बार इस वाली जो ब्लू वाली थी उसे मैं उठा के इसके आउटपुट के साथ लगा देता हूँ, ठीक। और फिर उसके साथ मैं फिर एक और जो है ये इमेज वाला टेक्सचर इसके साथ ये कनेक्ट करता हूँ और फिर उसे ओपन करता हूँ, ठीक। और मैंने उसे भी डेस्कटॉप में रखा हुआ है और ये वाला मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके साथ ये देखेंगे, मैं फिर से शेडिंग में जाऊँगा और यूवी एडिटिंग में जाऊँगा, तो इसमें भी देखें इसने अब उसे ले आया है। तो अपने पहले जिस तरह से यूवी सेटिंग करनी होगी ना, वो इस तरह से इंडिविजुअली प्लग इन करके ना आउटपुट के साथ, ठीक है, इंडिविजुअली आउटपुट के साथ प्लग इन करके ना, इंडिविजुअली अलग अलग बारी बारी प्लग इन करके ना, जो उनकी यूवी मैपिंग की सेटिंग करनी होगी ना, वो पहले कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब आप इसे कनेक्ट कर सेटअप कर कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो मैं अब इन्हें वापस यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक, इसके आउटपुट का कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें आप उसी तरह से जो दो टेक्सचर्स हैं, ठीक है, वो उसी सेटअप के साथ कंट्रोल हो जा रहे हैं, देखें आप इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको कोई यूनिक ट्रिक्स दिखाऊंगा जो मैं से मैंने आपको प्रीव्यू में नहीं दिखाई थी। तो वो ये है कि मैं इसे रिमूव करता हूँ, ठीक, इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब वो एक तरह से बिल्कुल ब्लैक शो कर रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ प्लग इन किया हुआ, तो ब्लेंड मोड अल्फा क्लिप और अल्फा जो शेडो मोड है अल्फा क्लिप की वजह से किया था। अब यहाँ पे ऐड करूंगा TRANS ट्रांसपेरेंट BSDF, ठीक, और वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ उसकी जगह जो मैंने बिता रहा है, ठीक। तो उसकी जगह देखेंगे ये अब इस तरह से मटेरियल गायब होकर इनविजिबल हो सकता है। तो ये काफ़ी मजे की चीज़ है, इसका एक और फायदा भी है, मैं आपको थोड़ा लेआउट में जाकर दिखाता हूँ, ठीक, ब्लेंडर व्यू में चल जाते हैं। तो अभी इसमें से अभी हम लोग करते हैं शिफ्ट ए मैश सर्कल, ठीक है, और वाई 90 से इसका कर लें, इसे स्केल कर लें और जी से मूवी में कर लें, फिर कंट्रोल ए दबा के अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, फिर टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएं और फिर एफ दबा के से फिल कर दें और फिर अगेन कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, फिर सर्कल को सिलेक्ट करें, ठीक है, और शेडिंग में चले जाते हैं हम लोग। और शेडिंग में जो ये एम्प्टी है डिसलेक्ट कर दें, एम्प्टी है डिसलेक्ट कर दें और हम लोग यहाँ पे सर्कल जो है उसे सिलेक्ट कर देते हैं, जो सर्कल है उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सर्कल का साइज थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे उसे कंट्रोलर में किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर रहा, तो उसे जी एक्स करके मैं साइड पे भी कर देता हूँ, ठीक। अब मसला ये है कि सर्कल का जो है ना वो अपने ओरिजिन से लगा है, इस वजह से ये देखें सर्कल का जो ओरिजिन है डॉट वो यहाँ से इस वजह से जो है ना ये इसके पास आते हुए गायब हो जाता है। सर्कल का हम लोग ओरिजिन भी ठीक कर लेते हैं, क्या बात रेट मोड में चल जाएँ, वन में चल जाएँ, ये डॉट्स का ओरिजिन है, जी एक्स करके यहाँ पर ले जाए, मुझे समझ में ये हिल किस तरह गया इस तरह से। तो इस तरह से अब ये देखें वो अपने ओरिजिन के साथ इस तरह से आ गया। तो अब इसका जो कंट्रोलर है एम्प्टी के बजाय ये सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल हम लोग इमेजिन करते समझ लें कोई पोर्टल है, ठीक है, और ये समझ लें कोई करेक्टर है। मैं इसे एक न्यू मटेरियल देता हूँ मिशन का, ठीक है, ऑरेंज सा कलर के दे के कोई सा रैंडम सा बस ना जो है मटेरियल से दे देते हैं, जरा बता मैं बस अभी पॉइंट ये है कि हम लोग वैसे ही बस एक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से फिर बस मैं सिंपल से कर देता हूँ, ठीक है, और डिस्टॉर्शन थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक। तो इस तरह से लगता है ये कि पोर्टल है, ठीक है। तो अब जब ये जाएगा यहाँ से, ठीक है, जी और एक्स से इसका मूव करता जाएगा तो इस तरह लग रहा है कि वो इस तरह लगेगा
कि वो पोर्टल के अंदर से डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरे सोचना रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो सर्कल है वो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए गायब होता जा रहा है। इसे आई थिंक सॉलिडिफाई मॉडिफाई से थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो क्या रहा है। सॉलिडिफाई मॉडिफाई ऑन करता हूँ, उसे थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ठीक, इसमें इतना नहीं, थोड़ा सा इतना अंदाजन में से ठीक रहेगा। ठीक, तो इस तरह ये इसके अंदर जाते हुए मतलब गायब होता जाएगा, जिस तरह पोर्टल के अंदर जाते हुए ना। तो ये अभी थोड़ा सा जिप तरीके से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है शायद सॉलिडिफाई मॉडिफाई की वजह से ही शायद थोड़े से इशू आ रहे हैं, इस तरह से कोई किंक्स इसके निकलते जा रहे हैं। लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत सेटलमेंट आपको उससे शायद करनी पड़ जाए। मेरे ख्याल से हम लोग अगर, हाँ ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा ज़्यादा से इस तरफ मूव रखूँ ना, तो इस तरह से वो थोड़ा ज़्यादा उस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये थोड़ी सेटलमेंट आपको अलग अलग केस टू केस बेसिस करनी पड़ेगी। दूसरा लगता है कि वो पोर्टल के अंदर से जाके इनविजिबल मतलब गायब होता जा रहा है, कि एक से दूर दूसरी दुनिया में जा रहा है इस तरह कुछ। तो अब हम लोग फाइनल जो इसका वर्जन है वो करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे वापस यहाँ पर ले आता हूँ और शेडिंग में चल जाते हैं वापस, और मैं इसे वापस जेड पर ले आता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, वो उस हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो थर्ड इफेक्ट था ना, इसके अंदर ये लाइट वाला इफेक्ट आ रहा था, ज़्यादा उदास लग रहा था, वो इफेक्ट हम लोग करेंगे। तो अब मैं फिर से शेडिंग में चल जाता हूँ। ठीक हो गया, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कलर यूज़ करना चाहते हैं कलर यूज़ करें, टेक्सचर यूज़ करना चाहते हैं कलर करें, बस वो एस लॉग इन सही जगह पे बस लॉग इन होने चाहिए। तो उसके लिए अब हमें जो लास्ट वर्ड अगला वाला वर्जन है ये मैं ट्रांसपेरेंट करा देता हूँ यहाँ से। ठीक, और इसकी जगह हमें चाहिए होगा इमिशन। ठीक है, और मैं इमिशन को प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पे, और इस इमिशन की जो है ना स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा हाई रखनी पड़ेगी, 200 रखनी पड़ेगी या 300, काफ़ी हाई रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन हम लोग जब आगे इस कंटिन्यू करेंगे ना तो ये डिफरेंट हो जाएगा। और ये जो है कलर है इसे इसका जो ब्लैक पार्ट है इस तरफ ले आएँ, और जो व्हाइट पार्ट है इस तरफ ले आए, तकरीबन क्लोज क्लोज एक दूसरे के साथ हो जाएं। ठीक, और ये जो मिक्स शेडर है इसे शिफ्ट से डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका इधर प्लग इन कर दें और ये वाला इधर प्लग इन कर दें, और ये जो कलर रैम्प है ये इसके साथ यहाँ पे प्लग इन कर दें। और फिर अब ये देखें यहाँ पे बीच में एक ही हिस्सा रह गया, तो इसके साथ हम लोग ये जो ये वाला प्रिंसिपल BSCF जो है, ठीक है, इसे प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी सेटअप क्रिएट करेंगे ना डिफरेंट सा हो जाए नोट्स का, जिस तरह मर्जी जीवो ग्रिप सा, उसका फाइनल रिजल्ट बस यहाँ पे प्लग इन होना चाहिए। तो ये देखें अब मैं जब इसे मूव करता हूँ, सॉरी मैल से मैंने गलती से उसे अभी तक सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसे चेंज करके यहाँ पे अब जो एम्प्टी है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब एम्प्टी को सेलेक्ट करके जी जेड करके मूव करूँगा तो ये देखें उस तरह से वो शाइन करता रहता है। ठीक, अब आप उसे कोई सा भी कलर दे सकते हैं, देखें अभी 200 की ब्राइटनेस रखने का फायदा ये हो रहा है, ऑरेंज कलर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से जो है शेडर एडिटर में एक बार प्रॉपर से सारा उसका सेटअप दिखा रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सेंस बन जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहता हूँ। तो ये देखिएगा प्रिंसिपल BSCF, ठीक, जिसका जो भी प्रिंसिपल BSCF है, जो भी अपने टेक्सचर शेक्चर सारे जो बनाए हुए उसका रिजल्टेंट एक यहाँ पे मिक्सचर में प्लग इन होगा, उसके साथ फैक्टर जो है वो कलर रैम्प होगी, वो कलर रैम्प का फैक्टर दोनों मिक्सचर के साथ कनेक्ट होगा, नीचे वाले साथ इमिशन शेडर ऊपर होगा, और नीचे वाला जो है वो जो भी शेडर आपने बनाया होगा कलर सिंपल होता है टेक्सचर होता है वो आप लगा दें, और उसका जो मिक्सचर है वो इसके निचले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दें। फिर जो कलर रैम्प है उसे क्लोज अप रखना, लीनियर रखना है, उसके साथ ग्रेडियंट टेक्सचर रख दें, साथ सेपरेट XYZ रख लें, बाई डिफॉल्ट वो एक्स होगा अगर आप नहीं रखते, तो लेकिन अगर आप वाई या जेड से करना चाहते हैं तो ये आपको जरूरत पड़ेगी नोड। फिर मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और एम्प्टी रख दें, एम्प्टी वैसे भी इनविजिबल होगा जब आप टेंडर करेंगे तो तब वैसे वो शो नहीं होगा, तो उससे वो कंट्रोलर के तौर पर ज़्यादा सही है। तो उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं पार्ट 2 का, जिसके अंदर मैं थोड़ी सी और इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।